मनुष्य का जन्म स्त्री के गर्भ से होता है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि भगवान का जन्म कैसे हुआ होगा? आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान शिव के जन्म से जुड़ी कथा बताने जा रहे हैं। शिव को स्वयंभू माना जाता है, यानी जो खुद अवतरित हुए हैं और उनका जन्म मानव शरीर से नहीं हुआ है। भगवान शिव को आदि देव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है हिंदू माइथोलॉजी में सबसे पुराना देव। वो सारे देवों में सबसे पहले देव हैं। आइए जानते हैं शिव के जन्म से जुड़ी कहानी के बारे में। एक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच बहस हुई कि हम दोनों में बड़ा और सर्वश्रेष्ठ कौन है। तभी भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेने के लिए स्वयं एक रहस्यमय खंभा का रूप ले लिया। खंभा इतना विशाल था कि खंभे का छोर दिखाई नहीं दे रहा था। तभी आकाशवाणी सुनाई दी और उन्हें खंभे का पहला और आखिरी छोर ढूंढने के लिए कहा गया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप धारण किया और खंभे के ऊपरी हिस्से की खोज करने निकल पड़े, और विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और खंभे के आखिरी छोर को ढूंढने निकल पड़े। दोनों ने काफी समय तक प्रयास किया पर असफल रहे। जब दोनों ने हार मान ली तब भगवान शिव, जो कि खंभे का रूप धारण किए हुए थे, अपने असली रूप में आ गए। तब ब्रह्मा और विष्णु ने माना कि महादेव ही पूरे ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ देव हैं। कर्म पुराण के अनुसार जब सृष्टि को उत्पन्न करने में ब्रह्मा जी को कठिनाई होने लगी तो वो रोने लगे। आंसुओं से भूत प्रेतों का जन्म हुआ और मुख से रुद्र उत्पन्न हुए। रुद्र शिव के अंश और भूत प्रेत उनके सेवक माने जाते हैं। इस प्रकार शिव की कृपा से सृष्टि का निर्माण हुआ। भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है। जब कुछ नहीं था तो शिव थे, और सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी शिव रहेंगे। शिव पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान शिव अपने टखने पर अमृत मल रहे थे तब उससे भगवान विष्णु पैदा हुए थे। जबकि विष्णु पुराण के अनुसार शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए हैं। भगवान शिव को भोले बाबा कहा जाता है, यानी वे बहुत भोले हैं और जल्दी अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं भी पूरी कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।